नमस्कार, आज मेरे साथ नंद किशोर जी है। मैं आज उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ, जो एजुकेशन क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य कर रहे हैं। आज मैं उनसे आपकी मुलाकात कर रहा हूँ। नमस्कार जी, नंद किशोर जी। नमस्कार। आप अपनी संस्था के बारे में और उसके बारे में बताइए। भारत लोक शिक्षा परिषद के नाम से हम एक संस्था चलाते हैं, जो एकल अभियान के अंतर्गत चलती है। एकल अभियान माने वन टीचर वन स्कूल वन विलेज, 25 से 30 बच्चे एक पेड़ के नीचे। और ये जो शिक्षा है ये गांव के अंदर ही चलाते हैं। शहरों में हम शिक्षा का काम नहीं करते, क्योंकि गांव में कोई भी समाज का व्यक्ति जाने को तैयार नहीं है, और इसीलिए हमारे देश के सभी गांव पिछड़ गए। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम गांव के अंदर और शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, उस निमित्त हम ये शिक्षा अभियान लेके चले हैं। हम जो गांव में स्कूल चलाते हैं वो 3 घंटे का स्कूल, उसी गांव का एक बच्चा, लड़का या लड़की, जो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट मिल जाएगी, और जिसका थोड़ा सा समर्पण गांव के प्रति जो सचेत होती है, ऐसे बच्चे को हम सिलेक्ट करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद वहां पर वो स्कूल चलाते हैं 3 घंटे का। उसमें बेसिक एजुकेशन, जिसमें पढ़ना लिखना हिसाब करना, वो सब उसको जानकारी बेसिक एजुकेशन की आ जाए, और उसके बाद उसमें संस्कार भी आए, क्योंकि एजुकेशन बगैर संस्कार के उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए संस्कार का काम हमारा जो खत्म हो गया था पहले, वो पुनः हम इसको स्थापित करने के लिए संस्कार, और फिर समाज और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी वो भी आने सीखनी चाहिए, उससे हम वो भी काम करते हैं। और ये शिक्षक को जो वहां पर पढ़ाता है उसको हम इस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे वहां जो खेल खेल में ये सब सीखते हैं, उनकी आयु 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं, क्योंकि यह आयु ऐसी होती है इसमें बच्चों को किसी भी प्रकार से आप मोल्ड कर सकते हैं। तो इनको एजुकेशन कर्तव्य के प्रति बोध कराना, ये सब हम काम करते हैं। यह कार्य हमारा शुरू हुआ आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व झारखंड में। इसके संस्थापक श्री मदन लाल अग्रवाला जी, जो ये बहुत बड़े व्यापारी माइन ओनर के, वहां उन्होंने सेवा भाव से गांव में गए और देखा गांव की हालत को, ना वहां एजुकेशन है, ना वहां स्वास्थ्य है, ना वहां पर कोई काम है, ना कोई व्यापार है, लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने पाया कि एजुकेशन का अभाव, और उसी सोच को लेकर के मैं गांव गांव में एजुकेशन का प्रचार करूंगा, लोगों को, बच्चों को गांव के अपने कर्तव्य के प्रति बोध कराने का काम करूंगा। तो उन्होंने ये प्रमोशनल एजुकेशन का काम शुरू किया, और वो आज से 22 वर्ष पहले जो काम उन्होंने शुरू किया था, आज पूरे देश के अंदर 22 राज्यों में 76,611, ये जो मैं बता रहा हूँ इतने स्कूल चल रहे हैं, 76,611 गांव के अंदर, ये 30 सितंबर की रिपोर्ट है। और इसमें लगभग 20,000 से ज्यादा विद्यार्थी प्रतिदिन आते हैं, पढ़ते हैं, संस्कार लेते हैं, देशभक्ति सीखते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाला वर्ष जो है, जो 31 मार्च 2019 तक हम 1,00,000 विद्यालय पूरे भारतवर्ष के 22 राज्यों में जो हम काम कर रहे हैं, हम ये विद्यालय चलाएं और देश में शिक्षा की अलग जगहें, शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, और जहां शिक्षा होगी वहां कर्तव्य बोध होगा, देशभक्ति आएगी, हमारा देश आगे बढ़ सकेगा, सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन सकेगा। नमस्कार, मेरे चैनल पे आज भारत के मान्य अधिकारी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर, ये जो आप पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, ये थोड़ा बताएंगे पब्लिक में कैसे है? हमारा उद्देश्य गांव का उत्थान के लिए है, और गांव के उत्थान के सबसे ज्यादा जरूरी काम है शिक्षा, उसके बाद चिकित्सा। हम गाँव के जितने बच्चे शिक्षा देने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव जो पढ़ेगा, एक बच्चा पढ़ाएगा, पढ़ाएगा हमारे गांव को, पढ़ाने से कोई रोजगार पैदा करेगा, शहर के नहीं आना, शिक्षा भी
ही अच्छे सर हम लोग। आप पूरे भारत में कितने प्रदेशों में चला रहे हैं और टोटल कितने हैं? 22 प्रदेश हमारा काम चल रहा है और 76,000 गाँव काम कर रहे हैं। अभी जो आप बता रहे थे श्रीनगर या कश्मीर में लद्दाख में उसका जुड़ा नहीं है। हमारा स्कूल श्रीनगर में 450 स्कूल है, कश्मीर वैली में जो उन्हीं की भाषा पढ़ाई जाती है, देशभक्ति सिखाई जाती है और साथ साथ लद्दाख में स्कूल चलते हैं जो दूसरी रहता नहीं होता चार ही अभी अपने घर टोटल आपके कितने हैं? हमारे पास 76,000 टोटल कितने लोगों की ये तो मेरी कस्टर टोटल कितने लोग धन्यवाद।